जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि वर्ष 2021 में कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण स्लो गति से हो रहे विकास कार्य को इस वर्ष तेजी के साथ पूरा कराया जाएगा। इसके साथ ही रोजगार परक योजनाओं सहित अन्य केंद्र व राज्य पोषित योजनाओं को तेजी के साथ धरातल पर काम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही स्कूली शिक्षा को लेकर इस वर्ष भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों के लगाव को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के इनिशिएटिव लिए जाएंगे। क्लासरूम से लेकर शिक्षा के स्तर तक व्यापक कार्य किए जाएंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन में खासी परेशानी आई थी, लेकिन इस वर्ष बेहद तेज गति से कार्य किया जाएगा। देखिए, जो हमारे डेवलपमेंटल प्लान्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे लास्ट क्वार्टर से रिज्यूम हो चुके हैं। इस वर्ष पिछले वर्ष के आप थर्ड क्वार्टर से कह सकते हैं कि वो रिज्यूम हो चुके हैं। सो जो हमारे नॉन रूटीन चाहे इंजीनियरिंग वर्क्स थे चाहे सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी वो ट्रैक पे लाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइवलीहुड जिसमें हमारे रोजगार परक योजनाएं भी शामिल हैं उन पे विशेष फोकस दिया जाएगा। शिक्षा में हमारा प्रयास है कि कोई भी बच्चा वंचित ना रहे स्कूल में एनरोलमेंट से, और स्कूल में खासकर सरकारी स्कूल में रुचि बढ़ाने के लिए पिछले साल भी जो हमने इनिशिएटिव्स लिए थे वो इस साल भी प्रमोट किए जाएंगे। चाहे वो वाइट बोर्ड्स हों, क्लासरूम एम्बियंस इंप्रूव करना हो थ्रू वॉल पेंटिंग्स, म्यूरल्स, या बच्चों के लिए प्रोजेक्टर्स लगाने हो, ई लर्निंग्स प्रमोट करना हो स्कूल में, या फिर बच्चों के लिए पानी की सुविधा, टॉयलेट्स, एमडीएम किचन, उनको सिक्योरिटी के लिए बाउंड्री वॉल, और स्पोर्ट्स में उनका जो बेसिक एक खेल कूद की सामग्री और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जो उनका इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं। तो ये कुछ शिक्षा में इनिशिएटिव्स लिए गए थे, इसको इस साल भी बढ़ चढ़ के मेंटेन किया जाएगा।